आता खाली बसून घ्या, सर्वांना विनंती आहे खाली बसून घ्या, स्टेज जवळ इथं गर्दी करू नका। तर दुसरा तो क्रांती चौकात आहे, ही ताकद आहे हिंदूंची। फक्त आता एक लक्षात ठेवा, खाली बसा, खाली बसून घ्या, बसून घ्या, सगळे बसा, दादा तुम्ही बसा, बसा आणि स्टेजवर गर्दी थोडं खाली बसून। हे जे लोक आहे, हे जे मीडियावाले लोक आहे, आपल्याला पूर्ण देशभरात पोहोचवणार आहे, त्याच्यामुळे त्यांना तिथं उभं राहू द्या। ते स्टेजवर गर्दी करू नका, स्टेजवर गर्दी करू नका, वरती येणारे थांबा, स्टेजवर गर्दी करू नका, कोणी येऊ नका स्टेजवर। आपण सर्व छत्रपती शिवाजी राजांचे मावळे आहोत, कृपया विनंती आहे की आपण या ठिकाणी शिस्तीचं पालन करायचं आहे। शांतता ठेवा, शांतता ठेवा, हे पलीकडच्या कोपऱ्यातले, इकडे लक्ष द्या, इकडे लक्ष द्या, शांतता ठेवा। आपल्यामुळं या मोर्चाला गाळपोट लागणार नाही याची काळजी घ्या। माझी सर्व हिंदू बांधवांना नम्रतेची विनंती आहे, आपल्यामुळं मोर्चाला गाळपोट लागणार नाही याची जबाबदारी आपली आहे। हे सगळेजण बसून घ्या खाली, हे समोर बसले सगळे बसून घ्या, जागेवर बसून घ्या, जागेवर बसून घ्या सगळेजण। ती छत्रपती संभाजी महाराजांची मूर्ती थोडी मागे येऊ द्या, त्या शिवप्रेमींना विनंती त्यांना जागा करून द्या, थोडं बाजूला सरका, थोडं बाजूला सरका।
सरकार ना थोड़ा मागा मागा सरकार ना खाली बसून गया जाइए और खाली बसून गया व्यासपीठा जवळ उभे असलेल्या सगळ्यांना विनंती खाली बसून घ्या जो नहीं प्रभु श्री राम का वो नहीं किस काम का जो नहीं आया छत्रपति संभाजी राजा के नाम पर उसको भेज दो औरंगजेब के कब्रस्तान पर या जिल्ह्याचे नाव छत्रपति संभाजी नगर झाले आणि त्यानंतर रजाकारांचे औलाद असलेले एमआयएमला बोलूयात झाला कलेक्टर ऑफिस समोर त्याने ढिंगाणा घातला आणि सांगितलं की कुछ लोग इस शहर का इतिहास बदलना चाहते और मी आज या मोर्चा माध्यमातून तुम्हाला सांगू इच्छितो की इतिहास वीरो का होता है कायरो का नहीं जो इस देश पे इस माटी पे धर्म पे बलिदान देता है उसका इतिहास होता है और जो कायर होता है उसका इतिहास लिखा नहीं जाता। औरंगजेब के बारे में हमारे दिल में जो नफरत है उसका कारण है कि वो औरंगजेब जिसने खुद के बाप को जेल में डाला था वो औरंगजेब जिसने अपना भाई का शीश कटाकर थाली में सजाकर अपने बाप को भेजा था और वो औरंगजेब जिसने धर्मवीर संभाजी महाराज को क्रूरता से मारा था। हम उस औरंगजेब का नाम इस शहर को नहीं तो कोई शौचालय को भी उसका नाम नहीं दे सकते। अरे छत्रपति संभाजी महाराज हा आमच्या अस्मितेचा आणि अभिमानाचा विषय अरे जे संभाजी महाराज स्वतःच्या जीवाचं बलिदान दिलं परंतु धर्म सोडला नाही त्या धर्मवीर संभाजी महाराजाचं नाव आपल्या जिल्ह्याला या ठिकाणी दिलं गेलं पाहिजे। थोड़ा बाजूला ज्या छत्रपति संभाजी महाराज नख का छत्रपति संभाजी महाराज चेहरा वरी मृत्यू का थोड़ा सा भय दिसला नहीं त्या छत्रपति संभाजी महाराज नाव या जिल्ह्याला टिकल पाहिजे म्हणून अपन सगळ्यांनी या ठिकाणी आलो। आज व्यासपीठावर अनेक मान्यवर आपलं मत या ठिकाणी व्यक्त करण्याला आले ज्या मुस्लिम रजाकारांनी या मुस्लिम राष्ट्र करण्यासाठी रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत लढाईची शपथ घेतली त्या रजाकारांची औलाद म्हणजे इम्तियाज जलील त्या इम्तियाज जलीलला या ठिकाणी माझं आव्हान आहे जर तुला औरंगजेबावर एवढं प्रेम असेल तर तुझ्या मुलाचं नाव या ठिकाणी औरंगजेब ठेव अरे आमच्या हिंदूच्या मुलाचं नाव या ठिकाणी संभाजी आहे आमच्या हिंदू मुलाचं नाव या ठिकाणी शिवाजी आहे तुझ्यामध्ये दम असेल तर तुझ्या मुलाचं नाव या ठिकाणी औरंगजेब देऊन टाको। बांधवांनो आपल्याला संघर्ष करायचा आहे यानंतरचा संघर्ष आपला संपलेला नाही एक लक्षात घ्या लढणाऱ्याचं मैदान असतं पळणाऱ्याचं मैदान असू शकत नाही आणि आजपर्यंतचा इतिहास लक्षात ठेवा तुम्ही पळालेलेच आहे। मी इथं जमलेल्या सर्व हिंदू बांधवांना विनंती करतो की आपल्याला छत्रपती संभाजीनगरच्या नावाने सूचनापत्र भरून द्यायचे आपण सगळ्याजण या ठिकाणी उपस्थित झालात त्याबद्दल आपले सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो। या मोर्चासाठी पडद्याच्या मागून सुद्धा ज्यांनी ज्यांनी काम केलं त्यांचं मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि जे लोक हिंदू असूनही या मोर्चात आले नाही त्यांचा धिक्कार करतो। धन्यवाद। जय हिंद जय महाराष्ट्र जय शंभू राजे। जय श्रीराम। सगळ्यांनी हात वरती करायचे जय जय जय।
असल भगवी ताकत का असते चौदा दिवसापासून वळवळवळ चाललेली होती सगळे शांतपणे बसून आपण बघत होतो ज्या वेळेस औरंगाबाद नाव होतं आपण आपला संशय मार्गाने ठेवलं होतं मी त्याला एकच प्रश्न विचारला होता पहिल्या दिवशी की तुझा संभाजी महाराजांच्या नावाला विरोध काय ते तू स्पष्ट कर परंतु ह्या औरंगाच्या आवडाने स्पष्ट केले नाही आज ताकद त्याला कळली असेल समजलं असेल पहिलं टोक संभाजी पेठेत आहे आणि दुसरं टोक क्रांती चौकात आहे लढाई चालू होती ना अरे आमच्यामध्ये हिंदूंच रक्त आहे आमच्यामध्ये सहनशीलता आहे म्हणून या सगळ्या गोष्टी चालल्या होत्या परंतु वेळ आली आणि सगळे हिंदू समाजाने ताकद दाखवून दिली ही ताकद तुमची सर्वांची आहे ही आपल्या हिंदूंची ताकद आहे इथं बसलेल्या सगळ्यांची ही ताकद आहे एकच गोष्ट सांगतोय उदाहरण सांगतो मी चलींचं आणि ते चलींसाठी उदाहरण सांगतो मध्यंतरी 2020 ला शिवजयंती होती आपली त्या शिवजयंतीला एमटीआर चलील यांची आई आजारी होती उदाहरण आहे का एमटीआर चलील यांची आई आजारी होती आपली शिवजयंती संपली त्याच्यानंतर मला काही लोकांनी सांगितलं की एमटीआर चलील यांची आई आजारी आहे अरे माझ्यावर हिंदू संस्कार आहे मी आईला बघायला गेलो प्रत्येकाची आई सारखी असते पण ज्या औरंगजेबानी आमच्या संभाजी महाराजांना मारलं ज्या औरंगजेबानी आमच्या महाराजांना त्रास दिला त्या आमच्या बापाला जर औरंगजेबानी चरण असेल तर त्याचं नाव अनुसरण करणार नाही म्हणजे नाही इमटा चलीला समजावलं पाहिजे होतं अरे तुझ्या बापाला कोणी त्रास दिला असता तर तुझी भूमिका काय असली असती आमचा बाप आहे महाराज आणि आमच्या बापाला जर कोणी त्रास दिला सण होणार नाही ही काळावर तुगावरची देश आहे 2 मिनिटं बोलायला संधी दिली एकदा हात वरती करा जय भवानी जय 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 भवानी धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र जय शिवराम राजा भैया शिवेंद्रजी पोहोचले आणि सुरेश चव्हाण काय आलेले आहेत तर ते सगळ्यात जास्त भाषण त्यांचे होतील मी फक्त छत्रपती संभाजीनगर जे काही झालेलं आहे त्याला मी शुभेच्छा देतो आणि ह्याच्या पुढे लव जिहाद गो हत्या धर्मांतरण ह्या आपल्या भूमीतून संपवून टाकून औरंगजेबाचं नाव आपल्याला नष्ट करायचं आहे एवढंच मी मागणी करतो आणि ह्याच्यानंतरच्या वक्त्यांनी शेवटच्या वक्त्याला वेळ देऊन थोडं बोलावं हीच विनंती जय श्रीराम विरम भैया श्री श्रीजी बोराळकर श्री श्रीजी बोराळकर छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती संभाजी महाराज की आज मोर्चानी या निजामाच्या आणि औरंगजेबाच्या औलादाला दाखवून दिलं की हिंदूंची ताकद काय आहे म्हणून ते एमआयएमच्या खासदार इम्तियाज जलील यांना सांगू इच्छितो आज तर आम्ही नाव बदललेलं आहे उद्या आम्ही तुमची संस्कृती बदलू अशा प्रकारचा आव्हान व्यक्त करतो आणि थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र हिंदू समाज रस्त्यावर उतरला या कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय अतिथी विशेष करून छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज आदरणीय
थांबवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या आपण सर्वांनी दिल्या पाहिजे। आलेले सर्व सन्माननीय अतिथी आहेत, मला सांगण्यात आले वेळ कमी असल्यामुळे प्रत्येकाचं नाव घेऊ नये, मी सर्व संत मानत आणि व्यासपीठाला नमन करतो। मित्रांनो, तरुणांनो, माझ्या माता भगिनींनो, सर्वप्रथम ही लढाई कशाची आहे, हा मोर्चा कुठल्या धर्माच्या विरोधात नाही तर माझ्या धर्माच्या एकत्रीकरणासाठी आहे। आज पहिल्यांदा अनेक वर्षांनंतर छत्रपती संभाजीनगरचे सर्व हिंदू माता भगिनी एकत्र या भगव्या खाली आले, याच्यापेक्षा गौरवशाली क्षण आपला असूच शकत नाही। छत्रपती
मध्ये जमलेल्या माझ्या सर्व हिंदू बांधवांनो, स्टेजवर उपस्थित असणारे आपल्याला मार्गदर्शन करायला आलेले आमदार राजा भैया, आमचे सहकारी आणि आपल्या औरंगाबाद संभाजीनगरचे माननीय आपले मंत्री महोदय अतुलजी सावे, त्याचबरोबर आपले दुसरे मंत्री महोदय माननीय घुमरे साहेब, स्टेजवर असणारे सर्व संत, सर्व महंत इथं आलेले आणि आज आपण आलेले सर्व शिवभक्त सगळ्यांना मी सर्वप्रथम दोन्ही हात जोडून नमस्कार करतो। वर्ण तुम्हाला मी तुम्ही जर मला विचारलं इथून उभा राहून समोरचं चित्र कसं दिसतंय, तर माझ्या नजरेतनं गुढीपाडव्याचा सण गुढ्या उभा राहून भगव्या आपण आजच साजरा केलाय असं मला दिसतंय। कारण गेले 35-40 वर्षाची आपली भावना की या शहराचं नाव छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावावर दिलं जावं ही आपली भावना होती आणि तब्बल 35-40 वर्षानंतर ही भावना, ही इच्छा, ही मनातली आपली श्रद्धेचा जो आपला भाग होता ही भावना आपली पूर्ण झाली आणि आज आपल्या सरकारनं हे ज्यांचं आपण खरं म्हणजे सर्वांनी हात वर करून अभिनंदन केलं पाहिजे, आपले मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि आपले उपमुख्यमंत्री आमचे नेते देवेंद्रजी फडणवीस यांनी आज ही भावना आपली पूर्णत्वाला नेली, ही इच्छा आपली पूर्ण केली। त्यामुळे सर्व माझ्या बांधवांना माझी विनंती आहे की सर्वांनी एकदा हात वर करून या आपल्या धाडशी सरकारचा अभिनंदन करावं। आज नुसतं एवढंच आपल्या सरकारनं केलेलं नाही तर प्रतापगडवरची अफजल खानाच्या कबरीचं बांधकाम सुद्धा त्यांनी पाडलं, हे सुद्धा आपल्या सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे। म्हणजे एकीकडं औरंगजेबाचं उदात्तीकरण चालू होतं आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अफजल खानाचं उदात्तीकरण चालू होतं, म्हणजे हा महाराष्ट्र नेमका कुणाचा, हा मराठी माणसाचा महाराष्ट्र, छत्रपती शिवरायांचा महाराष्ट्र, छत्रपती संभाजी महाराजांचा महाराष्ट्र का जे परकीय इथं हुकुमशहा आले ज्यांनी लाखोंच्या कत्ली केल्या, ज्यांनी सगळी मंदिरं उद्ध्वस्त केली, आपल्या देशाची आपल्या राज्याची संस्कृती नष्ट केली, त्यांचा महाराष्ट्र आहे का काय हा, त्याचा कुठेतरी आपण सर्वांनी विचार केला पाहिजे। बंधूंनो, आज या ठिकाणी येत असताना हा जो जनसमुदाय मला वाटतं ह्याच्यातच जे छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावाला विरोध करत होते किंवा हे नाव दिल्यामुळे राजकारण करत होते किंवा करत आहेत त्यांना चोख उत्तर तुम्ही सर्वांनी केलेलं आहे असं म्हणावं लागेल। आणि म्हणून या गोष्टी ज्या आपल्या महाराष्ट्रातच घडतात का घडतात हे पण आपण सर्वांनी समजून घेतलं पाहिजे, कारण आपण एकवटत नाही, आपण एकत्र येत नाही। आज तामिळनाडूमध्ये नामकरण चालतं, नाव बदललं चालतं, युपीमध्ये चालतं, तिकडं पश्चिम बंगालमध्ये चालतं, खाली गोव्याला चालतं, मग महाराष्ट्रातच काय पोटात दुखतंय? म्हणजे तुमचा कुठेतरी आपण विचार केला पाहिजे। हा आपला दोष आहे, आमच्या सगळ्यांचा दोष आहे की आपण एकत्र येत नाही आणि आपल्या ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी, ज्या छत्रपती संभाजी महाराजांनी आपल्याला स्वधर्मासाठी, स्वदेशासाठी आणि स्वतःच्या जातीसाठी लढण्याचं आणि बनण्याचं शिकवलं, यांचं आपण नाव घेत नाही, त्यांच्या ह्याच्याबद्दल आपण एकत्र येत नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे। आणि आज खऱ्या अर्थानं या शहराचं नाव
छत्रपति संभाजीनगर आलतर ख्या अर्थान शहरा मुक्ति मिला तरी का चुकी तो ठरना नहीं। नक्की अपन जर एकत्र आलो अपन माझी विनंती है सगळ्यांनी बसून घ्या, सगळ्यांनी कृपा करून सगळ्यांनी बसून घ्या, कृपा करून पत्रकारांना कोणी त्रास देऊ नका, कृपा करून सगळ्यांनी बसून घ्या। मुलांना ऐका, दोन मिनिटं ऐका। पत्रकार हे आपली या मोर्चाची व्याप्ती जी आहे आणि तुमच्या ज्या भावना आहेत त्या महाराष्ट्राकडे पोहोचवण्यासाठी इथं आले। कृपा करून तुम्हाला स्टेजवरचं किंवा भाषण बघायला अडचण होत असेल पण कृपा करून पत्रकारांना कोणी त्रास देऊ नये, माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे। तर मग सगळ्यांनी शांततेत बसा, खाली बसून घ्या। मी विनंती करतो सगळ्यांना, तुमच्या मागच्यांना पण दिसत नाहीये, तर मग सगळ्यांनी शांतपणे बसून घ्यावं। समोर मुलांनी सगळ्यांनी बसून घ्या प्लीज, सगळ्यांनी माझी विनंती आहे, सगळ्यांनी बसून घ्या। त्यामुळं खऱ्या अर्थानं आपल्याला ज्यांनी न्याय दिला त्यांच्या मागं आपण ताकदीनं उभं राहणं आणि एकवटणं ही आज काळाची गरज झाली आहे। जर आपण हे करू शकलो नाही तर बांधवांनो आपल्याला येणारा काळ माफ करणार नाही, हे आपण लक्षात घ्या। आज आपल्या छत्रपतींच्या नावासाठी आपल्याला रस्त्यावर उतरायला लागते आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, याच्यापेक्षा दुर्दैवी गोष्ट अजून काय असू शकते याचा विचार इथं बसलेल्या प्रत्येकानं केला पाहिजे। आणि म्हणून माझी विनंती आहे की अशीच ताकद पुढे सुद्धा, म्हणजे आज या छत्रपती संभाजीनगरची आपण लढाई तर जिंकलेलोच आहे, पुढची सुद्धा लढाई ज्या असतील तर याच पद्धतीनं आपण एकवटून एकत्र राहून आपण चांगल्या पद्धतीनं जिंकू, अशी ताकद सगळ्यांनी एकत्र ठेवा, एवढीच अपेक्षा एक छत्रपतींच्या कुटुंबातला व्यक्ती म्हणून आपल्या सर्वांकडनं करतो। परत एकदा आजच्या आपल्या सर्वांच्या भावनेचं मनापासून आपल्या सर्वांचं दर्शन घेतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।
करायचा पोरगा करायचा म्हणजे हिंदू करायचा। आता जे आवल्याने कापलेलं आहे त्याला हिंदू कसा करायचा? त्यामुळे आज या मंचावर उपस्थित पालकमंत्री, स्थानीय मंत्री, आमदार, खासदार, साधू संत मोठ्या प्रमाणात माझ्या समोर उभे असलेले हिंदू वीर आणि पाच पाच मजल्यावर उभे असलेले हिंदू शेर, आज जिथपर्यंत नजर लागते तिथपर्यंत मला फक्त भगवान झेंडा घेतलेले वाघ दिसताय वाघ। परंतु मला माहिती आहे आजच्या या सभेला अनेक डुकर सुद्धा पाहत आहे।
व्यक्ति या आधुनिक कुपुत्र कहते हैं कि औरंगजेब हमारा बाप है। अब औरंगजेब कौन है? औरंगजेब ने बादशाह बनने के लिए अपने सगे भाई दारा शेखों की गर्दन काटी, सर तन से जुदा किया, उसने अपने बेटे को जेल में रखा, ऐसा दरिंदा एक तरफ, और जिसने पूरा स्वयं का शासन राज्य और दक्षिण का मिलने वाला राज्य भी छोड़ दिया, प्राण त्यागे लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, ऐसा धर्मवीर एक तरफ, ये दोनों के बीच का फर्क है। मित्रों, औरंगजेब के साथ साथ में केवल आखिर में शादी करेगी उसको
सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा फायदा, उसको बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनना पड़ेगा। तीसरा बड़ा फायदा, आपके जो बच्चे पैदा होंगे वो जैसे भगवान ने भेजे हैं वैसे ही रहेंगे, कहीं पर भी कोई काट छाट नहीं होगी। चौथा फायदा, अपने हिंदू घर में बहू बनने के बाद अपने घर के मर्दों से पूरी सुरक्षा मिलेगी, कोई चाचा ताऊ अब्बू हाथ नहीं डाल पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर छोटे भाई की पत्नी बेटी है, बड़े भाई की पत्नी माँ है, मौसी भी माँ है, चाची भी माँ है, इसलिए रिश्तों का सम्मान होगा। और पांचवा फायदा, 45 डिग्री टेम्परेचर में बुरखा नहीं पहनना पड़ेगा। छठा फायदा, जिस घर में जाओगी उस घर की मालकिन कहलाओगी, और घर की मालकिन और समाज के लिए देवी कहलाएगी। और सातवां फायदा, अगर हिंदू लड़के से साथ शादी करेगी तो तुमको तलाक 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 कह के कोई छोड़ नहीं पाएगा। आठवां सबसे बड़ा फायदा, इस फायदे के लिए तो केवल मुस्लिम लड़कियां ही नहीं, पांच बार मस्जिद से जो बांग देता है ना, वो मुल्ला के लिए भी ऑफर। ऑफर क्या है कि हिंदू धर्म अपनाने के बाद पुनर्जन्म की गारंटी रहेगी। अपने कई सपने पूरे नहीं होते हैं, एक जीवन में कई कर्तव्य पूर्ण करने पड़ते हैं, तो अगर कुछ रह जाएगा, अच्छे कर्म करेंगे तो पुनः वापस आएंगे। और इसलिए नौवा फायदा, पति के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, 7 जन्मों का साथ रहेगा। और दसवा फायदा, मरने के बाद कयामत के दिन तक जमीन में गाड़ कर वेट करना नहीं पड़ेगा, अग्नि संसार से अग्निदाह से मुक्ति मिलेगी। और इसलिए मित्रों, कार्यक्रम के मेरे भाषण के आखिर में मैं आप लोगों से केवल मोदी जी को
कटु शब्दों का उपयोग किया, किसी को बुरा लगा होगा तो मैं शब्द वापस नहीं ले रहा हूं, उनको सुनाने के लिए बोला हूं। Yeah!
करता हूं। आज इस संभाजीनगर में जो धर्म के प्रति, जो आज नौजवानों की जो गर्जना जो हो रही है, यहां देखकर औरंगजेब की नाजायज औलादें सोच में पड़ चुकी हैं। चल जाएगा कि कौन भरता है और कौन भरता है। आज संभाजीनगर में इतनी बड़ी संख्या जो बढ़ा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, लेकिन ये शोर शराबे में मजा नहीं आएगा मेरे भाई। इतने शोर शराबे में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। जब भी मैं छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करता हूं, तो कुछ सेक्युलर लोग ये कहने लगते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान भी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षक भी मुसलमान थे। तो मैं आज उनसे ये पूछना चाहूंगा कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान थे, तो आज संभाजी नगर का विरोध तुम्हारे लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आज मैं पूछना चाहता हूं। ये वो औरंगजेब था जिसने मेरे संभाजी को गुड़ी पड़वा के एक दिन उसने हत्या की थी। ये वो औरंगजेब था जिसका नाम आज बदला गया। और आज जितने लोग औरंगजेब के नाम को लेकर जो इश्यू कर रहे हैं, मैं आज उनको एक बात कहने के लिए आया हूं। भूतो ना भविष्य, अब ये नाम नहीं बदलेगा, कभी ये नाम नहीं बदलेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम औरंगाबाद में पैदा हुए और औरंगाबाद में मरेंगे, तो मैं ऐसे जलीलों को कहना चाहूंगा कि तेरा जन्म तो औरंगाबाद में हुआ, तेरा मरण संभाजी नगर में हुआ। आज मैं उन सेक्युलरों को पूछना चाहूंगा कि अब तुम कहां चुप कर बैठे हो? कहां चुप कर बैठे हो जो आज औरंगाबाद के नाम को ले लेकर यहां के लोग विरोध कर रहे हैं कि हमें नाम चाहिए। मैं उन गद्दारों को कहना चाहूंगा कि जो भी औरंगाबाद का नाम लेने के लिए सामने आएगा,
उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अरे उस औरंगजेब का आप लोग समर्थन कर रहे हैं जो खुद के बाप का नहीं हुआ, जो खुद के भाई का नहीं हुआ, तुम लोग वो औरंगजेब का समर्थन करते हो। अरे ये वो औरंगजेब था जिसने हमारे प्राचीन मंदिरों को तोड़ा, ये वो औरंगजेब था जिसने हमारे प्राचीन शहरों का नाम बदला, ये वही औरंगजेब था जिसने तलवार की नोक पर कईयों हिंदुओं का धर्मांतरण किया, ये वही औरंगजेब था जब हिंदू मंदिर जाते थे तीर्थ यात्रा के लिए जजिया टैक्स लगाकर हम हिंदुओं से पैसा होता था, ये वही औरंगजेब था। और आज उस औरंगजेब के लिए आप लोग लड़ रहे हो जो कभी खुद के परिवार का नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या हुआ वो समय पर। मैं उन तमाम नेताओं को कहना चाहूंगा कि एक बार इतिहास उठाकर देख लो, एक बार इतिहास उठाकर देख लो कि जिन जिन लोगों ने हिंदुओं से टकराया उनका क्या हाल हुआ। अरे अभी तो सिर्फ औरंगाबाद का नाम बदला गया तो तुम लोग तड़प रहे हो, उस्मानाबाद का नाम बदला गया तो तुम तड़प रहे हो, अरे अभी तो बहुत नामा बदलना बाकी है, औरंगापुर बदलना है, संभाजीपुर रखना है, अहमदनगर बदलना है, अहिल्याबाई नगर को रखना है। अरे जिस प्रकार से प्रतापगढ़ किले में अफजल खान की इल्लीगल कबर को उखाड़ फेंक दिया, उसी प्रकार से ये औरंगजेब की खबर का भी नामो निशान मिटेगा। इतिहास रचने वाला है महाराष्ट्र में और इतिहास बदलने से कोई रोक नहीं सकेगा। जितने आए थे उन सबको जहां भेजा है वहां भेजने का भी कार्य होगा। और आज कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मुगलों से कोई संबंध नहीं है, एक हैदराबाद वाला है ओवैसी, जो वहां के मुसलमानों का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। आज वो जहां का सांसद है वहां का कोई मुसलमान खुश नहीं है और यहां के लोगों को वो बेवकूफ बनाने के लिए आया है। वो कहता है कि हमारा कोई मुगलों से संबंध नहीं है, वो बड़ा बुलडॉग और उसका भाई छोटा बुलडॉग, उसका छोटा भाई बुलडॉग ये कहता है कि हमने 800 सालों तक इस देश पर राज किया, हमने चार मीनार बनाया, हमने ताजमहल बनाया, हमने लाल किला बनाया, और छोटा भाई एक बोलता है और ये बड़ा बुलडॉग और एक बात करता है। इनमें दम नहीं है मेरे भाइयों, जो फेस टू फेस ये लोग लड़ाई लड़ सके, ये नपुंसक है साले लांडे। है मैंने सुना है
कि यहाँ के कुछ लोग 10 से 20 हजार की संख्या इकट्ठा करके औरंगाबाद का नाम होना है, ऐसे सरकारों को कलेक्टरों को निवेदन पत्र दे रहे हैं, हमने सुना है। अरे एक समय ऐसा था, छत्रपति संभाजी महाराज की घोड़े की टप टप आवाज सुनकर औरंगजेब का पैजामा गीला हो जाता था, और आज वही औरंगजेब की नाजायज औलादे संभाजी नगर में पलकर बड़ी हो रही है। वो समय में और ये समय में कोई अंतर नहीं है। वो समय पर भी ये लोग डरते थे और आज सिर्फ नाम को ले लेकर इनकी फट रही है। आज भी ये लोग संभाजी महाराज का नाम सुनकर कप कपा रहे हैं। मेरे भाइयों, आप सबको पता होगा 21 मार्च यानी गुड़ी पड़वा के एक दिन पहले मेरे और हम सबके संभाजी महाराज की हत्या हुई थी। कईयों ऐसे संभाजी महाराज के भक्त हैं जो वड़ू जाते हैं, पैदल जाते हैं, भूखे रहते हैं, संकल्प लेते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं संभाजी महाराज को। तो जब 10 से 20 हजार ये लांडे पत्र दे सकते हैं औरंगाबाद के नाम को ले लेकर, तो संभाजी नगर के नाम को ले लेकर हम कितने पत्र दाखिल करना है प्रशासन को, बोलो बोलो मेरे हिंदू भाइयों, बोलो। गुड़ी पड़वा के एक दिन और उससे पहले या उसके बाद में हर वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों को कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि इनसे हमारी ताकत बड़ी है और बड़ी रहनी चाहिए। जहां पर ये एक पत्र दाखिल करते हैं वहां पर हमारे हजारों पत्र दाखिल होने चाहिए, हजारों पत्र दाखिल होने चाहिए। ये लोग 20,000 पत्र दाखिल करके बोलते हैं कि नाम बदलो, उस 20,000 के काउंटर में लाखों पत्र जाना चाहिए मेरे भाई। बाला साहेब ठाकरे याद है ना, या भूल गए? आनंद भाई डीके याद है या भूल गए? इन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था कि औरंगजेब का नाम हटना है और संभाजी नगर का नाम लगना है। जी का सपना साकार हुआ, आनंद भाई डीगे जी का सपना साकार हुआ, आज बाला साहेब ठाकरे जी के शिष्य की सरकार महाराष्ट्र में है। मेरे भाइयों, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, जैसे हमारे सुरेश भैया ने कहा कि जिस बोर्ड पर औरंगाबाद लिखा होगा उस बोर्ड का नामो निशान मिटना चाहिए। जिस बोर्ड पर औरंगाबाद का नाम होगा उन गद्दारों से एक रुपए की चीज भी ना खरीदे। अरे आज इन गद्दारों को हमारी ताकत बताने की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, जब तक हम जातिवाद को बाजू रखकर मैं हिंदू तू हिंदू इस प्रकार से अगर विचारधारा नहीं लाएंगे, ना हम सुरक्षित रहेंगे ना धर्म सुरक्षित रहेगा। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग बता रहे हैं, बाला साहब क्या कहते थे कि मेरा जो हिंदू सिर्फ मंदिर में घंटा बजाने वाला नहीं, इन लांडों को ठोकने वाला है। प्रशासन से निवेदन करो कि नाम हटाओ, क्योंकि नाम बदल चुका है। अगर नाम नहीं हटेगा तो हम भी शिवाजी महाराज के मौलों हैं।
जिहाद के नाम पर जहां पर सरकारी जमीनें दिखती है उन जमीनों पर वो एक हरा कपड़ा डाल देते हैं और उसको एक दरगाह का रूप देते हैं। जहां जहां पर इनलीगल रूप से ये दरगाह बनी हुई है प्रशासन से निवेदन है सबको आइडेंटिफाई करो। सिंह जी एक 100 बुलडोजर खरीदो, एक नाथ शिंदे जी का नाम तो सब लोग पहचानते हैं, अब बुलडोजर एक नाथ शिंदे जी से नाम को आपको पहचान जाएगा। जहां पर इनलीगल मजार होगी, जहां पर इनलीगल मस्जिद होगी उसका नामो निशान भी आपको मिटाना है शिंदे जी। साथ ही साथ आपको एक मीटिंग योगी जी से करना है। योगी जी अपने दुश्मन को किस प्रकार से सबक सिखाते हैं एक बार उनको महाराष्ट्र आप बुला ही लो, क्योंकि अब आवश्यकता है हमारे योगी जी की भी। अगर दो तोप एक जगह मिल गए तो सोचो जब फायर होगा तो इन लांडों का क्या होगा। किलो पर 25% किलो पर इन गद्दारों का राज है। वहां पर कहीं पर मस्जिद बनी हुई है तो कहीं पर मजार बनी हुई है। जिस प्रकार से प्रतापगढ़ को आपने मुक्त करवाया उसी प्रकार से सभी छत्रपति शिवाजी महाराज के किलो में जो जो बना हुआ है उन सभी को साफ करो। और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से निवेदन करता हूँ, अगर कोई भगवा लेकर जाता है तो उसके ऊपर तुम FIR करते हो। वो हमारे किले है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का किला है वो, और वहां पर कोई भगवा लेकर जाएगा उसका मान सम्मान होना चाहिए। भगवे के बजाय अगर कोई दूसरा झंडा लेकर जाएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि भगवान ले जाने वाले के ऊपर। साथ ही साथ लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। हमारी एक बहन इस मंच पर उपस्थित है, वो लव जिहाद के खिलाफ लड़ती है। वो कहती है कि भैया जब तक सांस है लव जिहाद के खिलाफ लड़ूंगी, जो भी बहन लव जिहाद के शिकार होगी उनके हाथ पैर पड़ूंगी और इन गद्दारों का षड्यंत्र बताऊंगी। ये लव जिहाद एक आतंकवादी संगठन है जो केरला में इस संगठन का निर्माण हुआ। आज पूरे भारत में एक साइनेट की तरह, एक जहर की तरह, एक वायरस की तरह ये लव जिहाद फैल चुका है। मेरे भाइयों, लव जिहादियों को रोकना है ना, लव जिहादियों को ठोकना है ना, तो जहां पर भी आपको पता चले कि हमारी बहन बेटी लव जिहाद की शिकार हो गई तो तुरंत अपनी टीम को लेकर चले जाना। डरते हो क्या? डर लग रहा है क्या? भविष्य में जब भी आपको डर लगे तो संभाजी महाराज को याद कर लेना। जहां पर भी लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटी शिकार हुई तुरंत अपनी टीम को लेकर चले जाना। पहले प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करना, अगर प्रशासन सहयोग नहीं करती है तो आधे कटे है ना उनका पूरा काम रोक। और एक हरामी हमारे संभाजी नगर में, ये जो जलील है ये हमारे बाला साहब ठाकरे जी के खिलाफ बोलता है, ये हमारे बाला साहब ठाकरे के खिलाफ बोलता है। इसमें इतनी हिम्मत कहां से आई मैं आप सब
आपको पूछना चाहता हूं, इसकी औकात नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन इसको बड़ा करने वाले भी आप ही लोग हैं मेरे भाइयों, इसको बड़ा करने वाले आप लोग हैं, इसको सत्ता में लाने वाले भी आप लोग हैं। इतिहास गवाह है, सीखने से कुछ नहीं होगा, सुनने से होगा। हम यहां बोलने आए और तुम सुनने आए, हम जाने के बाद में चीख लो, ये गद्दार आज सत्ता में कैसे आया, कैसे आया? जहां जहां पर हिंदू बटा वहां पर हिंदू कटा, ये बात याद रखना। अरे वो समय पर भी, चुनाव के समय पर भी हिंदू बट गया और ये गद्दार जलील जीत गया। ये कहता है कि हम सत्ता में आएंगे। आज मैं उस जलील को चैलेंज करता हूं, अगर तू एक बात की औलाद है तो नेक्स्ट चुनाव जीत के बता। सुरेश भैया और मैं, हमारा यानी मेरा चुनाव छोड़कर आके मैं संभाजी नगर में बैठा हूं। कैंडिडेट कौन है, किस कैंडिडेट को सपोर्ट करना, ये आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन हमें नाजायज औरंगजेब की औलादों को जिताना नहीं है। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। अगर आप लोग इसी तरह से बढ़ जाओगे मेरे भाइयों, पार्टी के नाम पर, जात के नाम पर, तो हम लोग कभी इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, कभी हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। आज आपके महाराष्ट्र में पता है कि कितनी हमारी बहन बेटियां लोग याद के नाम पर शिकार हुई, पता है? एक लाख से अधिक हमारी बहन बेटियां लव जिहाद के नाम पर शिकार हो चुकी है। अरे विधानसभा में हमारे खिलाफ बात करते हो, अरे कभी लव जिहाद के बारे में भी बात करो। जो लोग कहते हैं कि धार वाले आकर दंगा फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अरे हम दंगा फैलाने नहीं आए हैं, हम तो हमारे हिंदुओं को इकट्ठा करने आए हैं। मेरे संभाजी महाराज के मालों को जगाने के लिए आया है। दंगा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप सबको यही कहना चाहूंगा, उन गद्दारों को यह कहना चाहूंगा, ये लव जिहाद का जो षड्यंत्र है ये बंद कर दे, नहीं तो पूरे भारत में 100 करोड़ हिंदू है। अगर हम हिंदू जिहाद करेंगे तो तुम्हें विवाह करने के लिए लड़कियां भी नहीं मिलेंगी। सुरेश भैया ने एक बहुत अच्छा ऑफर दिया, उस ऑफर का विचार करना हमारे मुस्लिम बहने, क्योंकि हिंदी में, हिंदू धर्म में नारी को मां का रूप और मैया का दर्जा दिया है। हमारे पास नारी का अपमान नहीं होता है मेरे भाई, हमारे पास नारी का अपमान नहीं होता है, मान सम्मान होता है। साथ ही साथ कल जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो एक लाटा यहीं से फोन करता है, वो कहता है कि आएगा तू लेकिन जाएगा नहीं। देखते साले, हम आ चुके हमारे संभाजी नगर में, मंच पर बहुत सारे अधिकारीगण भी आ चुके, सुरेश भैया भी आ चुके, किस बिल में तुम छुपे हो बेटा, अब तुम बता दो। इनकी यही आदत है मेरे भाइयों, भोंकने वाला कुत्ता काटता है क्या, काटता है क्या? हमारे मोहल्ले शेर है और शेर कभी पीछे हटते नहीं और शेर कभी डरते नहीं मेरे भाई। मैं आखिर में आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा, हर वो हिंदू को आज संगठित होने की आवश्यकता है। जब तक हम संगठित ही रहेंगे, ये लोग ऐसे ही हमारे साथ खेलते रहेंगे। और हमारे शिंदे जी से निवेदन करता हूं कि आज महाराष्ट्र में हिंदुवादी सरकार है,
लेकिन हमारे कईयों कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और कुछ ऐसे भी पुलिस अधिकारी हैं जो एफआईआर के नाम पर डरा रहे हैं, जेल में भेजने के नाम पर डरा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को आइडेंटिफाई करें शिंदे जी, क्योंकि ये जो सेना है ना, ये हमारी शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की सेना है, और ये डरने वाले नहीं है और ना ही हम डरने वाले हैं। सर पर कफन बांध के निकले हैं, या मरेंगे या आतंकवादियों को मारेंगे। भैया जी बता रहे, धर्मेंद्रा में सभी नौजवानों से निवेदन करता हूं कि वहां नहीं, जहां जहां ये लांडों की बस्ती है वहां पे इनके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा होनी चाहिए। जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज का विरोध करेगा महाराष्ट्र में रहकर, उनको महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। कितने एफआईआर करना है करो। अरे तेलंगाना की जेल देख लिए सुरेश भैया, महाराष्ट्र के भी जेल देख लेंगे। हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं, लेकिन मेरे शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ऊपर अगर कोई आंख उठा कर देखेगा तो उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बोलो भारत।